इस अफसाने का कावान है पोर्ट्रेट। आज वो इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर तस्वीर बनाएगा वो बरसों से भटक रहा है कभी नालंदा के खंडरों में और कभी बौद्धों के पुराने मंदिर के इर्द गिर्द उसने राजगीर के ब्रह्मा कुंड की स्नान करती दोषीजाओं की तस्वीरें भी बनाई हैं और कभी कश्मीर की पहाड़ियों से गिरते झरनों की उसका ब्रश अजंता की खूबसूरत वादियों से भी आशना है और वो एलोरा की पथरीली जिंदगियों में भी रंग भर चुका है उसने थैले में सामान रखा ड्राइंग बोर्ड हाथ में लिया और घर से निकल पहाड़ की चोटी की तरफ नज़र उठा देखने लगा चोटी पर जमी बर्फ़ को देखने बहुत से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं रास्ते में जगह जगह पकौड़ों के ख्वाचे और चाय की दुकानें हैं ऊपर एक छोटा सा मेला लगता है जहां चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं लेकिन लोग सस्ती चीज़ें ज़्यादा दामों में ख़रीद कर खुश होते हैं अब वो चोटी पर पहुंच गया था उसने देखा कि जहां लोग अपना अपना कीमती सामान बेच रहे हैं उससे ज़रा पहले एक बूढ़ा फकीर, पुराना ओवरकोट पहने जो जगह जगह से फट कर गुदड़ी की शक्ल अख्तियार कर चुका है एक पेड़ के नीचे बैठा हाथ फैलाए भीख मांग रहा है बाबू कुछ देता जा फकीर हर एक से सवाल कर रहा है मगर लोग उसको देखे बग़ैर ही बराबर से गुजर जाते हैं और वो उनके चेहरों को इस तरह तकता है जैसे कहना चाहता हो बाबू ए बाबू इधर देख तो ले उसने अपनी जेब को टटोला हालांकि उसे यकीन था कि जेब खाली थी ये उसके लिए कोई नई बात नहीं लेकिन आज फ़कीर को कुछ देने की ख़्वाहिश दिल में रह रह कर उठ रही थी लंबी दाढ़ी और सफ़ेद घनी बवें लंबी लंबी उंगलियाँ और उन पर उभरी नीली नसें ये कितनी आर्टिस्टिक लग रही हैं आर्टिस्टिक नहीं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए आखिर कितनी मुसीबतें झेली होंगी और कितने फ़ाके किए होंगे इस बूढ़े फ़क़ीर ने तब उसकी ये हालत यानी आर्टिस्टिक हालत बनी होगी काश इसे कुछ दे सकता जिनकी जेब में बहुत कुछ है वही कौन सा दे रहे हैं फिर यह दर्द मेरे ही दिल में क्यों मेरी जेब खाली है शायद इसलिए वो बाज़ार से गुजरते हुए अक्सर सोचता कि जब उसकी जेब में पैसे होंगे तो ये ड्राइंग बोर्ड ख़रीदेगा वो ब्रश घने बालों वाला ब्रश भी लेगा और अब उसके सैंडल भी पुराने हो गए हैं और यह पेंट का कपड़ा कितना खूबसूरत है लेकिन जब कोई पेंटिंग बिकती और जेब भरी होती तो पुराने ड्राइंग बोर्ड और घिसे हुए ब्रश से ही काम चल जाता सैंडल ये पेंट सब तो ठीक है अभी वो दिल में कहता और सीना चौड़ा किए दुकानों की तरफ बग़ैर देखे ही बाज़ार से गुजर जाता तो क्या आज बूढ़े फ़क़ीर कुछ देने की ख्वाहिश भी नहीं उसके दिल में चुभन सी हुई शायद कोई वार हुआ था उसके कदम अचानक रुक गए और वो बूढ़े फ़क़ीर के सामने सड़क के उस पार बड़े पत्थर पर बैठ गया ये तो अच्छे लोग मालूम होते हैं कुछ ना कुछ इस फकीर को ज़रूर देंगे उनके साथ एक 16-17 साल की मासूम सी लड़की भी थी किसी अंग्रेज़ी स्कूल की स्टूडेंट मालूम होती है कितना दर्द है इसकी आँखों में और कितने ग़ौर से बूढ़े फ़क़ीर को देख रही है हाँ हाँ देखो वो फ़कीर के करीब से गुज़रना चाहती है ज़रूर कुछ देगी लेकिन जब वो उसके करीब से गुजरी तो नाक पर रुमाल रखते हुए कॉन्वेंटियन अंदाज़ में बोली उफ़ डैडी इंडिया से ये भिक मंगे कब ख़त्म होंगे डैडी ने फ़कीर पर हिकारत भरी नज़र डाली और कहा चलो बेटी ये सब ढोंगी होते हैं फ़कीर की दाढ़ी और मूछों में छुपे होटों में जुम्बिश हुई शायद बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की थी उसने बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाई और एक कटोरी में बोतल से पानी निकाल कर ब्रश साफ़ करने लगा फिर उसने पूरी शीट को नीला रंग दिया मैंने शीट को नीला क्यों रंगा वो सोचने लगा क्या इसलिए कि नीला रंग आसमान की वसत और समंदर की गहराई की अलामत है? नहीं तो फिर जहर उसने नज़रें उठाकर सामने बैठे फ़क़ीर की जानब देखा तो लगा कि बूढ़े का चेहरा नीला पड़ चुका है शीट पर नीला रंग कुछ इस कुछ खुश्क हुआ तो उसने सबसे पहले बूढ़े फ़क़ीर के चेहरे में धसी आँखें बनाईं कितनी गहराई है इन आँखों में उसने फ़कीर की आंखों में झांक कर देखा तो कितने ही मुफ्र फलसफ़ी और दानिश पर नज़र आए जो उसकी गहरी आंखों की तह में कुछ तलाश कर रहे थे आंखों से सब कुछ खुरचा जा चुका है और अब वो धुंधली हो गई हैं बूढ़ी पेशानी पर उभरी बेजान शिकने किसी बुलंदी पर ले जाने वाली सीढ़ियाँ मालूम हो रही थी सैकड़ों आर्टिस्ट उन सीढ़ियों पर बैठे तस्वीरें बना रहे हैं और ज़माना उनके फ़न पर दाद लुटा रहा है बाबू कुछ देता जा फकीर ने जाते हुए एक शख्स की तरफ़ दोनों हाथ बढ़ाए बढ़े हुए मोटे मोटे नाखूनों में उभरा मैल सफ़ेद रोंगटे उभरी हुई नीली नसें और छिपकली के पेट की तरह हथेली की जर्द खाल महसूस हुआ कि फकीर के दोनों हाथ किसी खूबसूरत सफ़ेद शाही इमारत के नक्शो नगार बनाने में मसरूफ़ हैं कितनी कारीगरी है इन बूढ़े और लागर हाथों में उसे लगा कि बूढ़े फ़कीर के दोनों हाथ काट लिए जाएंगे नहीं उसने जल्दी से बूढ़े के दोनों हाथों को मटियाले रंग से ड्राइंग शीट पर बना दिया चेहरा मुकम्मल भी ना होने पाया कि हाथ बना बैठा एहसास हुआ कि वह बूढ़े फ़कीर की तस्वीर बड़ी बेतरतीबी से बना रहा है बूढ़े की गर्दन में ऊदे रंग के पत्थरों की माला पड़ी थी उसका ब्रश ऊदे रंग में सन चुका है मगर अब पत्थर अपना रंग बदल रहे थे उसने गौर से देखा पत्थर फूल बनते जा रहे हैं और कोई शख्स फूलों से लदा बूढ़े के नज़दीक खड़ा है और बार बार बूढ़े की तरफ़ इशारा करता है मजमा फूलों से लदे शख्स की जय जयकार बोलता है और जब लोग उसे अपने कंधों पर बिठा लेते हैं तो वो शख़्स उस बूढ़े फ़क़ीर की जानब एक नज़र भी नहीं डालता उसका गुजड़ी नुमा ओवरकोट एन नाफ़ के ऊपर से फटा हुआ था खाल सूख कर चमड़ा हो गई थी और पेट कुएं की तरह धंस गया था उसने सोचा धसे हुए कुएं को रंगों से अटा दे मगर लगा कि अगर रंगों के गोदाम भी खाली हो जाएं तो भी ये कुआँ नहीं हट सकता बाबू कुछ देता जा तस्वीर बनाते बनाते उसने आंखें मूंद ली अपनी ही आवाज़ गूंजी पैसा पैसा एक पैसा उसे याद आया बचपन में जब वो आंखें मींच कर पैसे मांगने वाला खेल खेलता तो हमेशा कोई बच्चा उसके हाथ पर थूक देता उसने देखा कि बूढ़े फ़क़ीर के पास से कोई बच्चा गुजर रहा है न जाने क्यों लगा कि बच्चा ज़रूर बूढ़े के हाथ पर थूक देगा दिल धड़कने लगा और रगों में दौड़ते ख़ून की रफ्तार तेज़ हो गई खून सुर्ख खून अब उसने शीट पर चारों तरफ सुर्ख रंग पोत दिया था रंग कुछ इस तरह बिखरा के शीट पर बेशुमार लाल झंडे लहराते नजर आए उसे लगा कि बूढ़े फ़कीर के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया गया है तस्वीर को गौर से देखा तस्वीर बूढ़े लागर और बेबस फ़कीर की तस्वीर सुर्ख रंग के दायरे में कुछ सहम सी गई थी आर्टिस्ट की रगों में दौड़ते खून की रफ्तार धीमी पड़ गई उसके ब्रश का सुर्ख रंग जर्द पड़ चुका था बूढ़े ने पीछे हटकर दरख्त के तने से कमर टिका ली दरख्त पर फल लटक रहे थे उसने ड्राइंग शीट पर दरख्त बनाया और फलों की जगह बेशुमार सिक्के लटका दिए एक सिक्का दरख्त से टूटा लेकिन जब वो बूढ़े फ़क़ीर के पास आकर ज़मीन पर गिरा तो सिक्का नहीं किसी परिंदे का कुतरा हुआ कच्चा फल था अब तस्वीर मुकम्मल हो चुकी थी कितनी खूबसूरत पोर्ट्रेट है किसी ने कहा जी हाँ आर्टिस्ट ने कलर कॉम्बिनेशन पर बहुत ज़ोर दिया है दूसरा बोला ये आपके नए बंगले के ड्राइंग रूम में हाँ हाँ वो भी यही सोच रहा था मगर ऑयल पेंटिंग होती तो ज़्यादा अच्छा था लेकिन साहब आइडिया देखिए ये देखिए वहाँ से कुछ नीचे आकर पेड़ से टूटा हुआ सिक्का किसी फल की सी शक्ल अख्तियार करने लगा है और ज़मीन पर आते आते हाँ भाई पेंटिंग तो बहुत अच्छी है कितने की है ये पोट्रेट कितने बताऊँ जो मांगूंगा वही मिलेगा आज तो वो जहन में जो दाम मुक्र करता वो कभी ज़्यादा लगते कभी कम दोनों शख्स सामने खड़े उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक किसी ने कहा क्या कहा यह वो खुद नहीं सुन सका लेकिन जब सामने वाले शख्स ने इतमान की सांस लेते हुए उसकी बताई हुई रकम दोहराई तो उसने सोचा हैं ये क्या मैंने सिर्फ इतने ही मांगे इससे ज़्यादा मैं सोच भी तो नहीं सकता था खैर इतने ही काफ़ी हैं ये सब पैसे बूढ़े फ़क़ीर को दे दूँगा उसे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा इन पैसों से वो कोई छोटा मोटा धंधा कर सकता है कुछ नहीं तो पत्थर की मूर्तियाँ और मोतियों की मालाएँ बेचने लगेगा ये लो इससे ज़्यादा नहीं अभी तो फ्रेम भी बनवाना है नहीं साहब इससे कम नहीं उसने कहना चाहा मगर मुंह से कुछ ना निकला और चुपचाप दी हुई रकम हाथ में थामे उठकर खड़ा हो गया कितना खुश होगा बूढ़ा फ़क़ीर इतनी बड़ी खुशी ज़िंदगी में पहली बार मिलेगी जब वो बूढ़े के पास पहुंचा तो उसने हाथ फैलाकर सवाल किया बाबू कुछ देता जा कुछ देता जा बाबू चाह के झुककर उसके हाथ पर सारे रुपये रख दे मगर उसने देखा कि कुछ लोग करीब से गुज़र रहे हैं उसने हाथ रोक लिया क्या सोचेंगे ये लोग समझेंगे मैं कोई पागल हूँ वो वहीं खड़ा लोगों के गुज़र जाने का इंतज़ार करता रहा मैं यहाँ खड़ा हूँ लोग देख रहे हैं मैं इस तरह क्यों खड़ा हूँ शायद वो सोच रहे होंगे वो दो चार कदम टहलता हुआ आगे बढ़ा और फिर पीछे लौट आया बूढ़ा हैरत ज़दा नजरों से देखने लगा बूढ़ा हैरत ज़दा है शायद मैंने फकीर के हाथ पर नोटों की मोटी मुट, गड्डी रख दी है उसने मुस्कुराने की कोशिश की और फकीर की तरफ़ देखा फकीर भी मुस्कुरा रहा था गोया वो फकीर ना हो कद्द आदम आईना हो आईने में किसी अहमक का चेहरा दिखाई दिया फ़कीर फिर मुस्कुरा रहा है दिल ही दिल में हंस रहा है गोया सोच रहा हो के अजीब सरफिरा शख़्स है अब आर्टिस्ट का हल़ खुश्क हो गया था बूढ़े ने खकार रहा तो उसे लगा कि बूढ़ा कह कहाँ मार कर पड़ा है बाबू कुछ देता जा फ़कीर ने हाथ बढ़ाया हाथ खाली था आर्टिस्ट ने अपने हाथ पर नज़र डाली उसके अपने हाथ में नोटों की मोटी गड्डी थी उसे महसूस हुआ कि बूढ़े ने उसकी जहनी हालत पर तरस खाकर पैसे लौटा दिए हैं पल भर के लिए लगा कि वो खुद फकीर की जगह बैठा भीख मांग रहा है हाथ खुद ब खुद पेट पर पहुंच गया भूख लग रही है भूख तो उस वक्त भी लग रही थी जब वो घर से निकला था पहले चलकर कुछ खा लिया जाए उसने सोचा और सामने चाय के होटल में घुस गया होटल का बिल चुकाने के बाद बाकी रुपयों को हाथ में थामे टहलता हुआ फिर बूढ़े फ़कीर के करीब आन पहुँचा फ़कीर ने कनखियों से देखा और तार तार ओवरकोट की जेब को घुटनों में दबाकर महफूज कर लिया कम वक्त सोच रहा है मैं कुछ छीन कर भाग जाऊंगा? उसने नफ़रत से फ़कीर की तरफ़ देखा वो औंधे मुंह पड़ा था और बहुत सारे चांदी के सिक्के फर्श पर बिखरे हुए थे पुलिस वालों ने तलाशी ली तो गुजरी से नोटों की गड्डियाँ निकलने लगें अखबार वालों ने फ़ोटो खींचे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगता था नहीं फोलागर फ़क़ीर इस बूढ़े से भी बदतर हालत थी उसकी अब आर्टिस्ट के हाथों में चंद रुपये थे बाकी ड्राइंग शीट और रंग ख़रीदने के लिए जेब में रख लिए थे और घूमकर फ़कीर के पीछे आ गया था बूढ़ा पहलू बदलने लगा और बैसाखी को खिसका करीब कर लिया न जाने क्या समझ रहा है मगर मुझे इससे क्या गरज मुझे तो इसकी मदद करनी है अगर मजबूरी न होती तो पूरे पैसे ही दे देता खैर इतने भी इसके लिए काफ़ी हैं बूढ़ा खांसा तो लगा कि बूढ़ा फिर ज़ोर से कह मार कर पड़ा है उसका वो हाथ जिसमें रुपये थे लरस गया याद आया कि जब उसने दो दिन से खाना नहीं खाया था और अपने एक अमीर दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगने गया था तो कितनी देर तक यूं ही बैठा रहा कई बार मांगने की कोशिश की मगर कोई सहारा ही नहीं मिल पाया कि किस तरह बात शुरू करे किसी अमीर से कुछ मांगना कितना मुश्किल है कैसी अजीब कैफियत थी वो मगर आज किसी ग़रीब को इतने रुपये देना टूटे सैंडल और फटी पतलून पहनकर इतने रुपये देना उस मांगने से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया था एक बार फिर फकीर को पैसे देने की कोशिश की मगर लगा कि उसके चारों तरफ भीड़ जमा है और वो सर पर राजा हरिश्चंद्र का मुकुट बांधे स्टेज पर खड़ा कोई कर्तव्य दिखा रहा है वो अपने आप से कुश्ती लड़ रहा था कि उसे इद्दी पहलवान याद आ गया इद्दी पहलवान, इद्दी पहलवान ने उस रिक्शे वाले को जिससे एक लाला चंद पैसों पर झगड़ा कर रहा था किस शान से एक बड़ा नोट दिया था क्यों झगड़ रहा है वे ये ले ये इज्जतदार लोग क्या देंगे इन्हें तो गरीबों को देते हुए शर्म आती है बेइज्जती होती है इनकी देने के लिए हिदी का दिल चाहिए सच ही कहा था हद्दी ने देने के लिए हद्दी का दिल चाहिए इलाके के बदमाश इद्दी का हद्दी पहलवान ने राजा हरिश्चंद्र को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था चारों खाने चित उसने घबरा कर अपने चारों तरफ देखा सामने से कुछ लोग आ रहे थे अरे ये तो वही लड़की है लड़की ने उसे फ़क़ीर के करीब खड़ा देखा तो मुस्कुरा दी ये क्यों मुस्कुरा रही है कैसे मालूम है कि मैं फ़क़ीर को इतने पैसे क्या मैं शक्ल से अहमक मालूम होता हूँ आर्टिस्ट ने न चाहते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश की फिर भवें सिकोड़ी और बोला न जाने इंडिया से ये भिक मंगे कब ख़त्म होंगे अब उस कॉन्वेंटियन लड़की के रुमाल की खुशबू आर्टिस्ट के जिस्म में उतर गई थी उसने अपनी मुट्ठी के सारे नोट जेब में रखे और एक सिक्का निकालकर बूढ़े फ़क़ीर के हाथ पर इस तरह डाल दिया जैसे सिक्का ना डाला हो बल्कि थूक दिया हो फ़कीर का हाथ सिक्के के बोझ से कपकपाने लगा बाबू तेरा भला हो उसने देखा कि लड़की के डैडी अब भी उसकी तरफ देख मुस्कुरा रहे हैं वो इस तरह चौंका जैसे अभी कुछ और कहना बाकी है और बोल पड़ा साहब ये लोग कैसा ढोंग रचाए रहते हैं और ये कहता हुआ तेज़ तेज़ क़दमों से आगे बढ़ गया कुछ दूर जाने के बाद उसने मुड़कर देखा वो दोनों शख्स जिन्होंने उसकी पोर्ट्रेट खरीदी थी बूढ़े फ़कीर के वजूद से बेखबर हंसते हुए उसके सामने से गुजर रहे थे और बूढ़ा हाथ फैलाए भीख मांग रहा था बाबू कुछ देता जा बाबू कुछ देता जा